नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही नहीं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लाए आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल अलग तरीके से बनने वाली मठरी की रेसिपी, और ये झटपट बन जाएगी। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये एक कप मैदा ली हुई है, इसको मैंने छान लिया और इसमें मैंने डाल दिया 4 चम्मच रवा, जिसे सूजी भी बोलते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट है। यदि आप इस तरीके से बनाओगे तो आपकी मठरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला हुआ है। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन थोड़ी सी क्रश करके, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आए। और अब इसमें हम डाल देते हैं देसी घी। तो देसी घी को मैंने गरम कर लिया, 4 से 5 चम्मच देसी घी है। तो हल्का सा गुनगुना, यदि आप देसी घी डालते हो या रिफाइंड डालते हो तो ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। पर देसी घी डालने से ये बहुत बढ़िया बनती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको रब करना है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो कि जब ये मुट्ठी सा बनने लगे, इस तरीके से पेड़ा जैसा बनने लगे, तो इस तरीके का हमें इसका डो तैयार करना है, मोहन लगाना है। तो लड्डू जैसा बनने लगे तो बस इसी तरीके से यदि आप बनाओगे तो आपकी मठरी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका डो तैयार कर लेते हैं। हमें इसका सख्त डो तैयार करना है, मुलायम डो बिल्कुल भी नहीं तैयार करना, क्योंकि यदि मुलायम बनेगा तो मठरी अच्छी नहीं बनती है। तो थोड़ा मेहनत से इसको अच्छे से इसको डो को मिक्स करें और डो तैयार कर लें। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया। बहुत ज़्यादा इसको मलना नहीं है, थोड़ा सा गूंथ लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से पूड़ी के लिए गूंथा जाता है, बस उसी तरीके से थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ढक करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा इसको और हम मसल लेते हैं। अब इसकी हम थोड़ी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। आप यदि बड़ी बड़ी बनाना चाहते हो तो बड़ी बना सकते हो। तो देखिए, मैंने इसको बना लिया। अब इसका पेड़ा बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो आपकी मठरी बहुत ही जल्दी बनेगी और इसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसको बेल लेना है। तो पतली बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, क्योंकि ये जब आप इनको फ्राई करोगे तो ये अच्छे से बढ़िया से बन जाएंगी। तो इनको हम एक साथ बेल करके रख लेते हैं, झटपट बेल जाती हैं, इनको बेलने में समय नहीं लगता है। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से फटाफट बेल ली। और अब एक हम फ्रोक लेते हैं, फ्रोक की सहायता से इसमें कट लगा देते हैं, जिससे कि ये जब इसको फ्राई करें तो फूले ना, क्योंकि मठरी यदि फूल जाती है तो अच्छी नहीं लगती खाने में। तो बस दोनों तरफ हमें फ्रोक से कुछ इस तरीके से कट लगा देने हैं। बड़ी आसानी से लग जाते हैं, बहुत झटपट लग जाते हैं, इनको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इतनी मठरी थोड़ी ही देर में बिल्कुल तैयार कर ली, उनको इस तरीके से बनाया हुआ है। और मैंने एक बर्तन में इनको रख लिया। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कढ़ाई रखते हैं और इसमें डाल देते हैं ऑयल। तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालें तभी इसमें ज़्यादा आएंगी। तो देखिए, ऑयल मैंने डाल दिया, मैंने रिफाइंड डाल लिया है। ऑयल को अच्छे से हम गर्म हो जाने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने अभी हाई रखा है और इसमें ये मठरी डाल देते हैं। अब हमें इनको अभी चलाना नहीं है, थोड़ा ये अपने आप ही देखिए ऊपर आ जाएंगी, तब हमें इन्हें पलटना है। और इसके बाद जब ये ऊपर आ जाएंगी, हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम में इनको पकने देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये सब ऊपर आ गई हैं कुछ इस तरीके से। अब इनको हम पलट देते हैं। आप देख सकते हो कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो गया है। पलटने के बाद धीरे से पलटेंगे, जिससे कि ऑयल का के छींटाना पड़े आपके ऊपर। तो थोड़ी सावधानी से बनाएं। पलटने के बाद अब इनको हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और धीमी आंच पर इन्हें पकने देते हैं। करीब 2 से 3 मिनट तक लगेंगे इनको बनाने में। इतने में ये बहुत अच्छी सी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हो कि इनका कलर चेंज हो गया है।
और गैस का फ्लेम मैंने अब थोड़ा सा हाई किया जिससे कि ऊपर का कलर इसमें बहुत अच्छा आ जाए। अंदर से ये पूरी तरीके से क्रिस्पी हो गई हैं। तो इनको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, आप यदि इस तरीके से बनाओगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और स्वादिष्ट बनेगी। तो देखिए हमारा एक बैच बनके तैयार हो गया है। ये देखने में बहुत ही बढ़िया अच्छी लग रही हैं, जितनी ये देखने में अच्छी हैं उतनी ही खाने में स्वादिष्ट बनी है। तो आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से बनी है। बाज़ार से भी अच्छी ये मठरी बनती हैं और इनको आप 2 महीने तक स्टोर कर सकते हो बना करके। तो अब हम दूसरा बैच बना लेते हैं। तो इसके लिए ऑयल देखिए पूरी तरीके से गर्म है और इसमें हम ये डाल देते हैं, क्योंकि अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई किया हुआ है। और डालने के बाद जैसे ही ये ऊपर थोड़ा सा आएंगी हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इनको फिर धीमी आंच पर पकने देते हैं। उलट पलट करके इनको हम पकाएंगे। तो आप देख सकते हो कि धीरे से ये ऊपर आ गई सब, और अब हम इनको पलट देते हैं। तो इस तरीके से आप झटपट ढेर सारी मठरी बना सकते हो। मैंने 500 ग्राम की मठरी बनाई, इनको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगा, झटपट ये बन करके तैयार हो गई हैं। अब इनको देखिए मैंने पलट दिया, इनका कलर बहुत अच्छा आया है, बहुत ज़्यादा न सेके इनको, क्योंकि ज़्यादा यदि कलर इनका डार्क कर दोगे तो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस हमारी मठरी फटाफट बन करके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है, खाने में बहुत ही बढ़िया बनी है। आप इनको चाय के साथ खा सकते हो या नाश्ते में सर्व कर सकते हो, बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों यदि ये हमारी मठरी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।